अनदर टेक न्यूज में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। और आज इस बार कई सारे अपडेट हमें देखने को मिले हैं और ये वीडियो में भी लॉन्ग हो पाएगा, देखते हैं एडिटिंग के बाद ही, बट काफी मजा आने वाला है। और 2 दिन गैप हो गया, सैटरडे में आउट ऑफ फॉर्म था, संडे की छुट्टी कर ली, आज मैं आपको दे रहा हूँ कल के लिए फिर से शायद ऑफ हो सकता है, बट आपको मैं रेगुलर प्रोवाइड करता रहूंगा, मे भी 1-2 दिनों का गैप होता रहेगा। और हाँ, अभी फिलहाल मैं कुछ स्मार्टफोन सेल कर रहा हूँ, तो आप इंटरेस्टेड हो, ट्रस्ट करते हो तो देख सकते हो, प्राइस लिस्ट वगैरह आपको समझ में आता है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, बाय करना हो तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज की बात करें तो वह है IQOO की तरफ से। IQOO का जो G7 Pro लॉन्च होने वाला है 31 अगस्त को, इससे कुछ एक्स्ट्रा स्पेक्स बाहर निकल गए हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि कर्व डिस्प्ले होने वाला है, 64 मेगापिक्सल का OIS कैमरा होगा, बट ये सैमसंग का होगा या फिर ओमनी का होगा वो तो लॉन्च के टाइम या उसके बाद ही पता चल पाएगा। साथ साथ यहाँ पे 5000 mAh की बैटरी होगी और यहाँ पे मीडिया टेक का 7200 प्रोसेसर यूज किया जाएगा, डायमंड सिटी वाला, जो कि काफ़ी पावरफुल है। और इसका मैंने लास्ट टाइम आपको अनटू स्कोर शो किया था जो कि 72 के आसपास जाता है, जो कि हम कह सकते हैं कि 888 से थोड़ा सा नीचे या फिर 860 से थोड़ा सा ऊपर का स्कोर है जो ये शो करता है। साथ ही साथ 7.36 mm का इसका थिकनेस होने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। और भी बाकी चीज़ें हैं जो लीक निकल के आती है तो मैं आपको बता दूंगा, अदरवाइज लॉन्च इवेंट अब ज़्यादा दूर नहीं है। और मैं ट्राई कर रहा हूँ इसे बाई करने की, अगर पॉसिबल हो पाया तो आपको रिव्यू दे पाऊंगा कि फ़ोन कैसा है, किन यूजर्स को टारगेट करता है, तो उसके लिए वेट जरूर करना। अनदर न्यूज़ की बात करें तो वह ऑक्सीजन OS एंड्रॉयड 14 या ऑक्सीजन OS 14 से रिलेटेड इसके कुछ फीचर्स चेंज लोग वगैरह बाहर हमें देखने को मिले हैं, जिसमें सबसे पहला चेंज की बात करें तो वह अलर्ट स्लाइडर से रिलेटेड, जिसके एनिमेशन में नया चेंज किया जाएगा, बट इस पे मोनेट इफेक्ट नहीं ऐड किया जाएगा ऐसा बताया जा रहा है। तो ये सेपरेट कलर के साथ आएगा जो कि थोड़ा रीडिजाइन होगा, अभी का जो डिजाइन है उससे थोड़ा डिफरेंट देखने को मिलेगा। साथ साथ जो अनलॉकिंग के टाइम पे आपको जो पासवर्ड वगैरह डालने का जो ऑप्शन दिखाई देते ना, उसमें भी थोड़े से मॉडिफिकेशन किए जाएंगे UI के अंदर, जो कि देखने में काफ़ी शायद सही लगे आपको। और अनदर यहाँ पे अल्फा वर्टिकल स्क्रॉलिंग आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको पोको लॉन्चर और बाकी डिवाइसेज में देखने को मिलता है ना, उसके हिसाब से आप है जो अपने ऐप्स वगैरह को सिलेक्ट कर सकते हो, कैटेगरी में डाल सकते हो, वो चीज़ आपको शायद देखने को मिल सकती है। अनदर यहाँ पे सिक्योरिटी भी इम्प्रूव होगा प्राइवेसी से रिलेटेड, तो और भी चीज़ें होगी बट अभी फिलहाल इतना ही पता चला है, तो आगे जैसे पता चलेगा मैं आपको बताऊंगा। और लास्ट टाइम भी मैंने आपको कंट्रोल सेंटर दिखाया था जो कि ऑक्सीजन OS 14 का होगा, जो कि देखने में काफी सही लग रहा है। अनदर अपडेट वन प्लस की तरफ से ही आ रहा है। वन प्लस का अगर आप 9 सीरीज का कोई भी डिवाइस यूज कर रहे हो, चाहे वो 9R, 9RT, 9, 9 Pro वगैरह है, तो इन सभी को यहाँ पे ऑक्सीजन OS 14 का अपडेट मिलने वाला है। लेकिन इसके पहले के जो सीरीज है वन प्लस 8 सीरीज, उनको है जो ये अपडेट देखने को नहीं मिलेगा। तो भाई आगे से जो नया वन प्लस 11 सीरीज आया है उसमें तो 4 साल का प्रॉमिस कर दिया गया है, लेकिन ये थोड़े पुराने हैं और पहले लॉन्च हुए थे, तो इनमें ये 9 सीरीज तक की लास्ट अपडेट होगा एंड्रॉइड 14 का, उसके पहले वाले डिवाइसेज को अपडेट नहीं मिलेगा। अनदर अपडेट की बात करें तो वह रेडमी की तरफ से निकल के आ रहा है। जैसा कि मैंने लास्ट टाइम बताया था कि K60 अल्ट्रा है जो लॉन्च होने वाला है चाइना में, जो कि ग्लोबली जो Xiaomi 13T Pro बन के आएगा, जिसमें आपको बहुत कुछ चीज़ें मैंने आपको बताया था, बट अब पता चला है कि यहाँ पे 5000 mAh की बैटरी होने वाली है, प्लस में यहाँ पे IP68 का रेटिंग होने वाला है, जो कि अच्छी बात है। और प्राइस क्या होता है चाइना में, ग्लोबल में क्या होता है, देखना पड़ेगा। तो ये थे कुछ स्मार्टफोन से रिलेटेड न्यूज़ जो कि लॉन्च होने वाले हैं आने वाले टाइम में। लेकिन अब बात करते हैं MIUI के अपडेट के बारे में और साथ साथ इनके बग रिपोर्ट के बारे में, जो कि यूजर्स ने जो थोड़े बहुत रिपोर्ट करे हैं बग से रिलेटेड। तो सबसे पहले बात करते हैं बग रिपोर्ट की, ठीक है। यहाँ पे है जो कैमरा इशू देखने को मिला है रेडमी के 10C डिवाइसेज के अंदर अपडेट के बाद, और ये जो अपडेट है वो है हमारा 14.0.2, जो कि ग्लोबल का अपडेट है, इसमें जो लोगों ने रिपोर्ट करा है। और अनदर जो इंडिया का अपडेट है 14.0.1, इसमें भी कैमरा का बग देखने को मिला है। साथ साथ 14.0.2 जो कि यूरोप का अपडेट है, इसमें भी कैमरे का इशू मिला है। यानी 3 रीजन में ये डिवाइस गया है 10C, और तीनों में इन अपडेट में कैमरा का इशू यूजर्स ने रिपोर्ट करा है। तभी फिलहाल इस पे जो काम चल रहा है ताकि इस प्रॉब्लम को फिक्स किया जा सके, तो शायद नेक्स्ट अपडेट आएगा उसमें आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, अगर आप स्टिल ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो। अनदर जो इशू है वो भी रेडमी के 10C के अंदर ही देखने को मिला है, NFC से रिलेटेड। अगर आपने अपडेट कर रखा है 14.0.2 जो कि यूरोप का वर्जन है, या फिर आपका जो रूसिया का वर्जन है जो कि 14.0.1,
तो उसमें NFC का दिक्कत आ रहा है, तो इस पर काम चालू है। तो जब फिक्स होगा, जब आपको OTA अपडेट मिल जाएगा, ताकि ये प्रॉब्लम आपको फिर देखने को ना मिले। और भी कई सारे इशूज हैं यहाँ पे, जो कि आपको सेकेंड सिम स्लॉट नॉट डिटेक्ट का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है Xiaomi के 13 प्रो यूजर्स के अंदर, जो कि मैंने लास्ट टेक न्यूज में भी बताया था कि जो 13.0.9 का अपडेट आया था ना Xiaomi 13 प्रो के लिए, उनमें एक सिम काम करना बंद कर दिया था, जो कि 13.0.10 के अपडेट के बाद इसे सॉल्व कर दिया गया है। तो ये जो मैं आपको यहाँ पे लिस्ट बताऊंगा ना, ये प्रॉब्लम थे जिनको अपडेट दे दे के फिक्स किया जा रहा है, और कुछ लोगों को अपडेट ऑलरेडी मिल चुका है। दूसरा प्रॉब्लम था कांट प्ले HD वीडियो ऑन नेटफ्लिक्स Xiaomi के पैड 6 के अंदर। साथ साथ डे लाइट सेविंग टाइम इशू था हमारा है, जो इजिप्ट का जितने भी डिवाइसेज है ना उन सभी के अंदर। और मोबाइल डेटा नॉट वर्किंग का प्रॉब्लम था पोको X4 GT के अंदर। और साथ साथ नो एंसरिंग इंटरफेस व्हेन रिसीविंग अ कॉल Redmi 11 Prime और Poco M5 के अंदर, यानी जब इनकमिंग कॉल आ रहा है तो आपको यहाँ पे कॉल का रिंग तो बज रहा है, बस दिखाई ही नहीं दे रहा है। और ये मोस्टली प्रॉब्लम होता है हमारे गूगल के डायलर के साथ, क्योंकि ये प्रॉब्लम मैंने बहुत जगह पे नोटिस किया है कि भाई रिंग बज रहा है बट डायलर बहुत टाइम बार शो करता है। तो ये गूगल के डायलर का ही इशू था, जो कि एक टाइम पहले काफी ज्यादा था, बट अब तो ये देखने को नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे फिर से प्रॉब्लम है, तो ये अपडेट के बाद फिक्स हो जाएगा, क्योंकि फिक्स हो चुका है, बस अपडेट मिलने की जरूरत है। अनदर जो प्रॉब्लम है वो है रैंडम रिबूट का, जो कि पोको के M4 Pro 5G डिवाइस में देखने को मिला। पेटीएम बिजनेस का जो प्रॉब्लम है वो देखने को मिला था Redmi 12 5G के अंदर, बट मैंने बिजनेस तो ट्राई नहीं किया, यानी पेटीएम ऐप, तो शायद होगा कुछ लोगों को मिल रहा होगा, तो ये जो नेक्स्ट अपडेट आएगा उसमें सॉल्व कर दिया जाएगा। ये तो अभी जस्ट यार हाल ही में ही लॉन्च हुआ है Redmi 12 5G। अनदर इशू है हीटिंग का, जब आप नॉर्मल फोन को यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे फोन हीट हो रहे हैं, जो कि Redmi 12 के अंदर है, तो इसे भी अपडेट के हिसाब से फिक्स कर दिया गया है, बस अपडेट पुश होने की देरी है। तो जैसे अपडेट आएगा आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और NFC काम नहीं कर रहा है Redmi के 13 सीरीज के अंदर। तो इतने सारे रिपोर्ट किए गए हैं बग, जिनमें से कई सारे सॉल्व हो चुके हैं, बस अपडेट मिलने की देरी है। और दो तीन जो मैंने आपको Redmi 10C का बताया ना, उनमें अभी इशू आया है, काम चल रहा है, अब कब तक फिक्स होगा, कब तक OTA अपडेट आएगा वो श्योर नहीं है। बात करते हैं OTA अपडेट की, जहाँ पे मैंने 3 कंट्री के अपडेट सेलेक्ट किए हैं, जैसे कि आप लोगों का सजेशन था इंडिया, इंडोनेशिया, यूरोप और ग्लोबल वगैरह। तो ये सारे अपडेट है जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा, क्योंकि बहुत सारे रेडमी के यूजर्स मोस्टली इंडिया के रोम पे या ग्लोबल पे या यूरोप के रोम पे स्विच होते हैं स्टेबिलिटी या परफॉर्मेंस के लिए। इसलिए मैं ये सारी चीज़ें बताऊंगा, ताकि आपको बस डिवाइस स्विच करना चाह रहे हो तो कर सकते हो, अदरवाइज वही सेम रोम यूज करो या उसी कंट्री के हो तो आपको अपडेट पता चल जाएगा कौन सा अपडेट पे काम चालू है या कौन सा अपडेट कब मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। और हाँ, अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो यार लाइक कर देना, चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। मतलब जो अपडेट है Xiaomi 13 Pro डिवाइस के लिए, जो कि 14.0.27 का अपडेट है, और ये यूरोप का अपडेट होने वाला है, जो कि स्टिल Mi Pilot Extra के अंदर है। अनदर अपडेट Redmi के 10 यूजर्स के लिए, जो कि 14.0.4 है, और ये जो पहला अपडेट है आज के इस टेक न्यूज़ का, जो कि पार्सली मिलना चालू हो चुका है, बट ये यूरोप यूजर्स वाला अपडेट है, तो वहाँ के यूजर्स को जल्दी मिलेगा। Redmi के Note 11 Pro इंडियन यूजर्स को 14.0.2 का एक अनदर अपडेट मिलना चालू हो चुका है, जो कि पार्सली रिलीज है, यानी रैंडम लोगों को मिल रहा है, तो जल्दी पब्लिक रूप से सभी को मिलेगा। तो अगर आप इस डिवाइस के यूजर्स है और इंडिया वाला रोम यूज कर रहे हैं तो नजर रखे रहना अपडेटर पे, कभी भी आ सकता है, और समटाइम अपडेट आके चला भी जाता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको अपडेट करना है तो मैनुअल ट्राई करना पड़ेगा, और मैनुअल कैसे अपडेट करते हैं नहीं पता है तो आप मेरा नोव से प्रो वाला प्लेलिस्ट चेकआउट कर लेना, या फिर न्यू यूजर्स वाला, आपको डिटेल मिल जाएगा। नजर जो अपडेट है वो है 14.0.1 यूरोप के यूजर्स के लिए, जो कि डिवाइस होने वाला है Redmi 12 Pro 4G, और ये पायलट टेस्टर में है। Redmi के Note 12 Pro और Pro Plus यूजर्स के लिए गुड न्यूज है कि यहाँ पे इनका अपडेट जल्दी आपको मिलने वाला है, या मे बी मिल रहा होगा आप सभी को धीरे धीरे करके, जो कि Android 13 और 14.0.1 का ये पहला अपडेट आने वाला है, क्योंकि ये अभी स्टिल MIUI 13 पे ही रन कर रहा था जब से लॉन्च हुआ है। तो ये उनके लिए एक बड़ा अपडेट होगा, जिसका साइज आपको 4 से 5GB के आसपास का देखने को मिलेगा। और जब भी आप अपडेट करो ना, तो वन टाइम में कोशिश करना कि अपडेट कर लो, अभी थोड़ा सा कर लिया, बाद में थोड़ा सा कर लिया, ये काम करोगे तो आपको फोन में कई सारी दिक्कतें आ सकती है। इंडिया का डिवाइस पोको X5, जो कि इसका एक नया अपडेट 14.0.3, जो कि पार्सली रिलीज होना चालू हो चुका है, तो आप इस डिवाइस की वजह से तो आपको मिल रहा होगा, यानी कुछ को मिल चुका होगा, कुछ को मिलना बाकी है, तो चेक करते रहना अपना अपडेटर। अंदर जो डिवाइस है Xiaomi 12T Pro यूरोप का, इसके लिए पार्सली अपडेट मिलना चालू हो चुका है, जो कि है 14.0.15 का अपडेट, तो ये धीरे धीरे सभी को मिल जाएगा 100%। अनदर डिवाइस Xiaomi 12 Pro जो कि यूरोप का है, इसे भी जो अपडेट मिला है वो है पार्सली मिलना चालू हो चुका है, जो कि 14.0.18 का अपडेट है, तो आप ग्लोबल डिवाइस की वजह से इस डिवाइस का
तो आपको मिलेगा, जल्दी वेट करते रहो। Redmi 10 और 2022 जो एडिशन है Redmi 10 का, इसे पार्सली अपडेट मिलना चालू हो चुका है 14.0.3 का, और ये जो अपडेट है इंडोनेशियन यूजर्स के लिए। तो आप इंडोनेशियन यूजर्स हो या उसका रोम यूज कर रहे हो, तो आपको ये जल्दी अपडेट मिलेगा, तो थोड़ा सा वेट करो। पोको F5 ग्लोबल डिवाइस के यूजर्स के लिए 14.0.6 का अपडेट रिलीज हो चुका है, जो कि पार्सली है, तो धीरे धीरे सभी को मिल रहा है, तो वेट करते रहें और जब भी आता है कर लेना। अनदर जो अपडेट है Redmi 12 Pro 4G डिवाइस के लिए, जिसका एक अनदर अपडेट 14.0.1 यूरोप यूजर्स का पायलट स्टोर में जा चुका है, तो जल्दी पब्लिक रूप से सभी को मिलेगा, थोड़ा सा वेट कर लो। अनदर जो अपडेट है वो है Mi 11i के लिए 14.0.4 का, और ये जो अपडेट है यूरोप के यूजर्स के लिए है और ये पायलट स्टोर में अभी गया है। अनदर जो डिवाइस है Mi 11, इसके लिए ग्लोबल में एक पार्सली अपडेट रिलीज होना चालू हो चुका है, जो कि 14.0.6 है, तो अगर आप इस डिवाइस की वजह से, तो ये अपडेट आपको जल्दी मिलेगा। Mi 11 अल्ट्रा जो कि इंडिया का डिवाइस है, इसके लिए 14.0.3 का अपडेट पार्सली रिलीज होना चालू हो चुका है, तो अगर आप ये डिवाइस यूज कर रहे हो तो आपको ये जल्दी देखने को मिल सकता है, या मे भी कुछ को मिल गया होगा, तो अपना अपडेट चेक करते रहना। Xiaomi 11T Pro जो कि इंडिया का डिवाइस है, जो कि आया था काफी अच्छा खासा ये डिवाइस रहा है, प्राइस भी काफी सही था, इसके लिए एक अपडेट आ गया है पार्सली, जो कि है हमारा यहाँ पे 14.0.4। तो अगर आप इस डिवाइस की वजह से हैं, तो ये अपडेट आपको मिल चुका होगा या नहीं मिला है, तो थोड़ा सा वेट करते रहो, अपडेट चेक करते रहो, जल्दी देखने को मिलेगा। इंडिया का अनदर डिवाइस जो कि Redmi 12C और Poco का C55 है, इसके लिए 13.0.4 का अपडेट पार्सली रिलीज होना चालू हो चुका है, और लास्ट टाइम मैंने यही कहा था कि क्या यार 14 के टाइम पे आप 13 प्रोवाइड कर रहे हो और अब 15 लॉन्च होने वाला है, तो इतना लेट क्यों लेकर चल रहे हो यार। इंडिया का अनदर जो पैड है Xiaomi का, Xiaomi पैड 5, इसके लिए अनदर अपडेट पार्सली आना चालू हो चुका है, जो कि 14.0.4 का है, तो आप पैड 5 बाय किए थे, तो आपको अपडेट जल्दी देखने को मिलेगा या मैं भी शो कर चुका होगा। थोड़ा बात करते हैं कस्टम रोम के अपडेट के बारे में, क्योंकि इस बार कुछ कस्टम रोम के अपडेट है जो ऑफिशियली सपोर्ट है, धीरे धीरे मिल रहे हैं सभी को। पहला अपडेट है पिक्सल एक्सपीरियंस का, जो कि अभी सबसे पहले मुझे देखने को मिला Xiaomi 11 Lite Any 5G के लिए, जो कि अगर सिक्योरिटी पैच के साथ है, तो अगर आप पिक्सल को पसंद करते हो और आपका डिवाइस का सपोर्ट अवेलेबल है, तो चेक करते रहे, जल्दी अपडेट आपको अगर सिक्योरिटी पैच के साथ मिल जाएगा। दूसरे अपडेट की बात करें तो वह है सुपीरियर OS, और इस बार का जो अपडेट है सुपीरियर OS जिसमें अगर सिक्योरिटी पैच ऐड किया गया है, काफी पसंद आ रहा है मुझे। मैंने 2-3 डिवाइसेज में चेक किया और मुझे काफी मजा आया। मैंने अभी Mi Linux का रिव्यू दिया है, आप चेक कर लेना, मेरे मेन या सेकंड चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा, और आपके डिवाइस को सुपीरियर OS मिलता है तो जब भी आए ट्राई जरूर करना। और अनदर एक और अपडेट है कस्टम रोम का, जो कि ड्रॉइड एक्स है, ये बहुत ही कम डिवाइसेज को सपोर्ट करता है ऑफिशियली, लेकिन कुछ लोगों को अनऑफिशियल भी मिलता है, तो इसका भी अपडेट आ रहा है, तो देखते रहे, जब भी आता है आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये भी रोम काफी हद तक सही है। और साथ ही साथ CR ड्रॉइड, ये भी अगर सिक्योरिटी पैच के साथ रिलीज होना चालू हो चुका है अपने सभी सपोर्टेड डिवाइसेज के लिए। तो यहाँ पे मैंने 5-6 रोम आपको बताए हैं कस्टम के, जो कि ऑफिशियल सपोर्ट है, और सभी में अगस्त का सिक्योरिटी पैच देखने को मिल रहा है, और मोस्टली जो रोम मैंने आपको बताया ना, ये काफी अच्छे हैं हर एक मामले में, तो आप इन्हें जरूर ट्राई करो, मे बी आपके डिवाइस के लिए एक परफेक्ट और वन ऑफ द बेस्ट रोम हो सकता है। तो आप कमेंट करके बताना कि क्या आप कस्टम रोम यूज करते हैं या नहीं, और आपके पास कौन सा डिवाइस है। साथ साथ जो मैंने MIUI का अपडेट बताया है, उनमें से कौन सा अपडेट आपको मिला, या फिर आप किस अपडेट की वेट कर रहे हो। वीडियो पसंद आया तो यार लाइक कर देना, चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।